तो फ्रेंड्स, आज मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये गेहूं को धोना। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं इसे पानी में धोऊंगी, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसको छांटने की पहले, क्योंकि इसमें कंकर या मिट्टी या घास के शीट्स जो साथ में कनक के होते हैं वो, और घुण वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं सिंपल इसको धोऊंगी। अगर आपके कनक में ऐसा कुछ है गेहूं में, तो आप पहले इसको अच्छे से छांट ले, चुन ले, फिर ही धोएं आप। अच्छे से तो बोरी में भर के पापा को दे देने हैं। पापा ने आटा चक्की होती जो ग्राइंडर होता लगा हुआ, बस वहां पे जाके उसको पिसवा लेना, तो फिर हमारे घर आ जाएगा आटा बनके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा हो गया, अभी धो चुकी है गेहूं मेरी, और मेरे बेटे को ये पता ही नहीं है जी है क्या चीज। तो मैं उसको ये बता रही थी कि जो आप खाना खाते हो तो वही चपाती है जे। अभी जे मंजा छोटा पड़ रहा है क्योंकि कनक ज्यादा है, तो अब मुझे दूसरा मंजा लगाना पड़ेगा साथ में। तो मैंने बड़ा मंजा लगा दिया साथ में। तो मैं अब बेटे की हेल्प लूंगी क्योंकि ये भारी है, मुझसे अकेली से उठाया नहीं जाएगा। और ये देखिए, इसने चप्पल भी नहीं पहनी और ऐसे ही खेले जा रहा है ऊपर। गीली होने के बाद और भी भारी हो गई अब।
अब मैं इसको फैला दूंगी, और अब मैं इधर ही हूँ इसलिए इसको डाल रही हूँ, क्योंकि नहीं तो अकेला छोड़ूंगी तो कबूतर आ जाएंगे, और भी पंछी आ जाते हैं, इसलिए मुझे इसके आसपास ही रहना पड़ेगा। तो शाम को इसको उठा के रख दूंगी, और फिर जब कल डालूंगी तो भी मैं पास ही रहूंगी। तो यहाँ पे देखिए शतानु बेटे की शैतानियाँ स्टार्ट हो गई हैं, और मुझे ये तंग कर रहा है, और मैं बार बार मना कर रही हूँ फिर भी नहीं मान रहा, ये नीचे गिरा रहा है गेहूँ को। मैंने तो गेहूं को धो दिया और डाल भी दिया, आज तो नहीं सूखेगी जी, धूप में डाल दिया। अभी मैं इधर ही बैठी हुई हूँ ताकि कबूतर वगैरह ना आए इधर, कल तक सूख जाएगी, कल की धूप लगेगी तो आई होप धूप कल भी होगी। 2 महीने के बाद अच्छी धूप आई है आज, तो ये तो बढ़िया मौका था, इसलिए मैंने धो दिया, और धोना भी ज़रूरी था, थी साफ, लेकिन फिर भी मैंने 2 पानी में धोया इसको, एक बार पहले और फिर दूसरे पानी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह होती है फसलों पे और यूरिया डलता है इनमें, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन धोने के बाद कुछ हद तक हम बचाव कर सकते हैं अपने आप का। इनको अच्छे से धो के मलमल के धोना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो असर कम होगा, पूरा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास टाइम है, आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर ऐसा करें और अपने परिवार को कुछ हद तक बचाएँ, और जिसके पास नहीं टाइम है तो वो तो थैली में लाएगा, हम भी लाते हैं, नहीं मेरे पास टाइम होता तो हम थैली वाला ले आते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि इसको घर में धो के फिर पिसवाया जाए, तो आप भी ऐसा करिए अगर आपके पास टाइम है तो। वैसे तो हर हाउसवाइफ यही चाहती है कि जो हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे हस्बैंड फैमिली के लिए अच्छा हो वो तो हम करें, तो करना भी चाहिए, तो मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे, तो कोशिश हमारी यही होती है। तो अभी चलती हूँ मैं, अभी सोरिश को बिठाना पड़ने के लिए, तो ये ऊपर ही रहेगा वरना मेरे साथ ही।